गोरखनाथ मंदिर हमला मामले की जांच के लिए यूपी एटीएस की टीम मुंबई पहुंच गई है। सोमवार यानी 4 अप्रैल को टीम ने नवी मुंबई का दौरा किया, जहां आरोपी मुर्तजा पहले अपने परिवार के साथ रहता था। इस दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी ये मिली कि आरोपी मुर्तजा पिछले 3 साल से अपने परिवार वालों से नहीं मिला था। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर रविवार की शाम धारदार हथियार से हमला किया गया था। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए थे, जबकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बचपन से ही डिप्रेशन वगैरह का शिकार है, उसका इलाज भी हुआ, नौकरी भी इसलिए उसने छोड़ी और मानसिक रूप से वो अस्थिर रहता है और कुछ कारणों से कुछ यहाँ पे आए थे लोग और ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ कि उसको ये लगा कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो मतलब विक्षिप्त हो गया वो। और जैसा कि सुना है मैंने कि जो पुलिस के अधिकारी उसके साथ संपर्क में थे कि वो लगता था मैं कहाँ जाऊँ, भाजी के भाग तो गया, कोई क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल होता तो उनको छुपना भी आता है, तो ये क्या है कि स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा ही अफेक्टेड हो गया और इसका आउटबर्स्ट जो है उसने ज़्यादा इंतज़ार बिना किए, कोई प्लानिंग उसकी नहीं रही होगी ऐसा मेरा मानना है। वो सिर्फ ये था कि प्रेशर उसको आ गया, प्रेशर मानसिक दबाव जो है उसके ऊपर ले भी था उसको। किस मामले का मानसिक दबाव था उनके ऊपर, किस तरह? देखिए, एक तो मानसिक दबाव उसको बिना किसी वजह अक्सर होता रहता था, 2-3 दिन 4 दिन तक वो उस प्रेशर में रहता था, देर तक सोता था, काफ़ी सोता था, सर में तकलीफ बताता था, कोई काम कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। इसके साथ जब उसको लगा कि कुछ पुलिस के लोग जो हैं, कोई 36 लाख का केस है, उसकी नोटिस लेके आ रहे हैं, केस भी बता नहीं रहे हैं, तो उसको ये लगा कि भाई क्या चक्कर है मेरा, ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरी तो मैं तो था भी नहीं जिस समय से सब हुआ, तो मैं तो फ्लाइट से बम्बई से उड़ रहा था जब ये घटना हुई, तो कुल मिला के बड़ा तकलीफ दे ये, हम लोग आज उसी का नतीजा देख रहे हैं। कोई बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा ऐसे प्रकरण में ऐसे फंस जाए या कर डाले कि जिससे पूरे घर को, अब हमारे घर में ताला बंद है, हम लोग जो है इधर उधर पड़े हुए हैं। वही एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया, जो व्यक्ति पकड़ा गया उसकी पहचान अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई, जो मूलतः गोरखपुर का ही रहने वाला था और उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं अब उसका पूरा परीक्षण कराया जा रहा है और हम लोग इसमें FIR दर्ज कर चुके हैं। हमारी जो स्पेशल एजेंसीज है जैसे ATS है उसको भी भेजा गया है, कल ही वहाँ से अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि हम लोग किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, इसमें टेरर का एंगल भी हो सकता है और इस विवेचना को, इस पूरे प्रकरण की विवेचना को ATS को ट्रांसफ़र किया जाएगा और पूरी गहराई से जाकर इसका इसकी विवेचना की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे वो मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ BRD मेडिकल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल हुए पुलिस के जवानों से मुलाकात की। जांच में आरोपी की पहचान अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप, पैन कार्ड जैसी अन्य सामग्री भी बरामद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।